स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। या नंबर दिए गए हैं, इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 एंड 11 से। ओके, कलर द बॉक्स गिवन ग्रीन इफ डिविजिबल। अगर नंबर डिवाइड हो जाता है उस नंबर से तो उस बॉक्स को ग्रीन करना है फिर, एंड रेड इफ़ नॉट डिविजिबल। और अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसे कैसा फिल करना है, रेड फिल करना है। ओके, एज हमारा ये फर्स्ट वाला नंबर है 5381। ओके, 2 से चेक करना है हमें इसको कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर। और यहाँ पर क्या है हमारा, 1 है। 1 तो इवन नंबर नहीं है हमारा। इवन नंबर क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8, 6 भी आता है, 10, ये क्या होते हैं हमारे, इवन नंबर होते हैं। यानी यहाँ तक लास्ट में ये वाले नंबर आने चाहिए, इनमें से तो कोई भी नंबर नहीं है ये। दैट मीन्स ये क्या नहीं है, क्या नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें वंस प्लेस पर कोई भी इवन नंबर नहीं है। ओके, सो आप इस वाले कॉलम को क्या कर दोगे, रेड कलर से फिल कर दोगे। ये वाला जो कॉलम है इसको हम रेड कलर से फिल कर देंगे। ओके, कंप्लीट अच्छे से फिल करेंगे। उसके बाद हम 3 पर आते हैं। 3 के लिए क्या करना होता है हमें, जो नंबर है हमारा उसकी डिजिट्स को ऐड करते हैं। अब हम इसके डिजिट्स को ऐड कर देखेंगे, क्या डिजिट है हमारे पास, 5 + 3 + 8 + 1। ओके, इनको देखेंगे कि ऐड कर क्या आता है, 5 + 3 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 1 = 17। तो ये क्या आ जाता है इसका सम, 17। ओके, अब आप चेक करेंगे कि 17 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 17 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स हमारा जो ये नंबर है ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। सो आपको कलर कौन सा करना है फिर इसमें, रेड कलर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि रेड इफ़ नॉट डिविजिबल। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली तो क्या करना है, रेड फिल करना है। तो हम इस वाले कॉलम में भी क्या करेंगे, रेड कलर फिल कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए क्या बताया गया था आपको, डिविजिबिलिटी रूल, कि लास्ट टू डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो कि 81 है लास्ट में इसकी, तो 81 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। आप देखोगे कि 81 4 से डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ओके, सो ये वाला भी कॉलम क्या हो जाएगा आपका, रेड कलर से फिल कर दोगे आप। सो ये नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स हम इस वाले कॉलम को भी क्या करेंगे, रेड फिल कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं 5 पर। 5 के लिए क्या कंडीशन थी डिविजिबिलिटी रूल की, कि लास्ट में जो नंबर होना चाहिए, यानी कि वंस प्लेस पर जो नंबर होगा वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब इस वाले नंबर में हमारे पास ना तो वंस प्लेस पर 0 है ना ही 5 है, दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो भी 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी ये वाला कॉलम भी आपका कैसा फिल करोगे आप, रेड कलर से। नेक्स्ट 6 है। 6 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी रूल, याद करिए कि वो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये वाला नंबर ना तो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रेड ही फिल करना है, रेड कलर से ही फिल कर दोगे इस बॉक्स को। नेक्स्ट 8 पर आते हैं। 8 के लिए चेक करेंगे हम कि ये नंबर डिवाइड होता है 8 से कि नहीं। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो डिवाइड हो जानी चाहिए 8 से। ओके, अब आप देखेंगे चेक करके कि 381 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। ओके, क्या मिला फिर आपको, कि ये नंबर जो है वो भी 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप इस वाले बॉक्स में भी रेड कलर फिल कर देंगे।
नेक्स्ट आते हैं 10 पर. 10 के लिए कंडीशन थी कि लास्ट में ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि वंस प्लेस पर ज़ीरो आएगा तभी वो नंबर 10 से डिवाइड हो पाएगा. लेकिन यहाँ पर 1 है वंस प्लेस पर, दैट मीन्स ये आपका ये नंबर जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इस बॉक्स में भी क्या कलर आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं 11. 11 से कंडीशन क्या थी कि इवन प्लेस की जो वैल्यू है वो सम करेंगे हम और जो ओड प्लेस की वैल्यू है वो सम करेंगे, और उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए. अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा. सो चेक करते हैं एक बार, नंबर क्या है हमारा, 5, 3, 8, 1. ओके, अब चेक करो इसमें इवन प्लेस की नंबर और ओड प्लेस की नंबर क्या है. तो ओड प्लेस पे क्या आएगा, 5, 8. ये दोनों कैसे ओड प्लेस पर है, क्योंकि ये 1 पर है और ये थर्ड प्लेस पर है, तो ये ओड हो गई. दैट मीन्स 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13. ओके, ये तो ओड प्लेस का सम आ गया. उसके बाद इवन प्लेस के लिए निकालते हैं, तो इवन प्लेस के लिए रिमेनिंग रह गए हमारे नंबर 3 और 1. 3 + 1 कितना हो चुका है, 4. उसके बाद था कि इन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट मीन्स आप 13 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 11. 11 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है हमारा 5381 वो सिर्फ और सिर्फ 11 से डिवाइड होगा. और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि उस बॉक्स को ग्रीन फिल करना है जो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली. दैट मीन्स आपका ये वाला जो बॉक्स आएगा वो ग्रीन कलर का फिल करेंगे आप. ओके, सेम ऐसे ही आपको रिमेनिंग जो इसके पार्ट दिए गए हैं वो फिल करनी है. चेक करना है कि ये 2 से 3 से जो भी नंबर दिए गए हैं बाकी उन सबसे डिवाइड होते हैं कि नहीं. अगर डिवाइड हो रहा है तो आप ग्रीन कलर से फिल करेंगे उसको, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो आप रेड कलर से फिल करेंगे. जैसे ये नेक्स्ट वाला ही पार्ट है इसका, इसमें लास्ट में ज़ीरो आ रही है, तो ज़ीरो भी इवन नंबर में आता है. दैट मीन्स ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैसा होगा, ग्रीन से फिल करेंगे. ऐसे आप 3 से चेक करेंगे इसके सारे डिजिट्स को ऐड करके. ओके, और ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है. थैंक यू.